हम सेवई की खीर और कस्टर्ड अलग अलग तो अक्सर बनाते हैं, कभी क्या आपने इनको मिलाकर ट्राई किया है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। मैं हूँ शिल्पी और आज हम मिलकर बनाएंगे वर्मिसली कस्टर्ड, बहुत सारे फ्रूट्स मिला के, बहुत ही टेस्टी यमी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा एंड आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 2 टीस्पून घी। तो आप इसको तेल में ना बनाएं, आप इसको घी में बनाएं, उसी से इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे कुछ कटे हुए मेवे। तो आज मैंने इसमें कटा हुआ बादाम, काजू और पिस्ता यूज़ किया है। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम इनको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो यहाँ पर आप इन नट्स को बिना घी के भी आप रोस्ट कर सकते हैं, तवे पे नॉर्मल रोस्ट कर लें या माइक्रोवेव कर लें, अगर आप इस रेसिपी को बिना घी के बनाना चाहते हैं। तो ये देखें, हमारे नट्स जो हैं रोस्ट होके तैयार हैं। हम इनको निकाल लेंगे बोल में और जो बचा हुआ घी है हम उसमें सेवई डालेंगे। तो ये 1/4 कप सेवई है, नॉर्मल वाली सेवई है जो कि हम नमकीन सेवई बनाने में यूज़ करते हैं। हम इसको भूनेंगे और इसको हमें करना है लाइट ब्राउन, एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउनिश करना है। और जैसा कि मैंने कहा था कि आप इस रेसिपी को बिना घी के भी बना सकते हैं, तो आप सेवई भी आप नॉर्मल रोस्ट कर लें अगर आपका मन नहीं है कि घी डाल के रोस्ट करें। ये देखिए हमारी सेवई भी तैयार है, बिल्कुल हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आया है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने बॉयल किया हुआ 4 कप मिल्क का इस्तेमाल किया है और जो मलाई थी वो मैंने इसी में छोड़ दी थी, मलाई को निकाला नहीं था मैंने बॉईल करने के बाद। तो अब इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें, नहीं तो हमारा जो दूध है वो नीचे लग जाएगा। और अब हम इसको बॉईल करेंगे और कम से कम इसको पकाएंगे 7 से 8 मिनट तक। तो जब तक हमारा दूध जो है वो कुक हो रहा है, यहाँ पर 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर में मैं थोड़ा सा मिल्क डालूंगी। तो ये वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है और इसको हम घोल लेंगे और इसका एक स्मूथ जो है वो मिक्सचर बनाएंगे। तो ध्यान रहे बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, एकदम स्मूथ मिक्सचर इस तरह का होना चाहिए। तो हम इसको साइड में रख लेंगे और अब देखें हमारा दूध को बॉयल होते हुए ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट्स हुए हैं। हम इसमें डाल देंगे 5 टेबलस्पून शुगर या शक्कर के। तो इतनी शुगर वैसे काफ़ी रहती है, पर अगर आप मीठा खाने के ज़्यादा शौकीन हैं तो आप थोड़ी सी शक्कर और डाल सकते हैं। तो हम इसको चलाएंगे और इसको भी बॉयल करेंगे करीब 3 से 4 मिनट तक, बहुत ज़्यादा बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है इसको। और इसको आप लगातार चलाते रहें, नहीं तो दूध है वो नीचे लग सकता है। तो देखिए हमारा जो दूध है वो शक्कर के साथ उबलते हुए अब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब जो हमने कस्टर्ड का मिक्सचर बनाया था इसको एक बार फिर से स्पून से मिला लें, क्योंकि कस्टर्ड जो है वो नीचे बैठ जाता है। और हम इसको इस मिल्क में डाल देंगे और अब हम इसको फिर से कुक करेंगे कम से कम 7 से 8 मिनट तक। तो आप इसको फिर से, मैं कहूँगी कि आप इसको चलाते रहेंगे तो कस्टर्ड जो है बहुत जल्दी नीचे जो है पैन में लग जाता है और बर्न हो जाता है। तो इसको हमें लगातार चलाते हुए कुक करना है 7 से 8 मिनट तक। तो ये देखें मिल्क जो है अच्छे से कुक हो चुका है और सेवई भी बिल्कुल पूरी तरह से पक के तैयार है। हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे, पर हम इस मिक्सचर को लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसके ऊपर एक मोटी सी लेयर आ जाएगी मलाई की और फिर हमारा कस्टर्ड खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से इसको चलाते रहें जब तक ये हल्का ठंडा ना हो जाए। और जब आप देखें कि इसमें से धुआं निकलना बंद हो गया है, तब आप इसको एक बोल में ट्रांसफ़र करके फ्रिज में रख दें 2 से 3 घंटे के लिए, या फिर जब तक ये एकदम चिल ना हो जाए। तो देखें करीब मैंने इसको 2 घंटे तक फ्रिज में रखा और अब मैंने इसको निकाल दिया, एकदम ठंडा हो गया है ये। और अब हम इसमें डाल देंगे ये अपने ड्राई रोस्टेड नट्स जो कि हमने पहले निकाल लिए थे और थोड़े से बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से बनाना या केला, थोड़े से पोमोग्रेनेट सीड्स और यहाँ पर मेरे पास है कटा हुआ एप्पल, इसको मिला दूंगी मैं। तो फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के कोई भी डाल सकते हैं, बस आप इसमें पाइनएप्पल का यूज़ ना करें, क्योंकि मैंने देखा पाइनएप्पल कस्टर्ड के साथ या मिल्क के साथ जाके उसको पूरा कड़वा कर देता है। तो देखिए हमारा कस्टर्ड बिल्कुल बनकर तैयार है, एकदम ठंडा और चिल्ड। तो आइए हम इसको सर्व करते हैं। तो आप कोई भी कांच का ग्लास ले ले या बोल ले ले, इसमें हम डाल देंगे अपना ठंडा ठंडा एकदम यमी कस्टर्ड। और ये देखिए अब हम इसको गार्निश करेंगे थोड़े से बचे हुए अनार के दाने के साथ और थोड़े से नट्स के साथ। अब जब भी आपका कस्टर्ड खाने का मन करे आप इस तरह से उसको बनाएं सेवई मिला के, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है और गर्मियों में इसको खाने का मज़ा ही अलग है। तो ज़रूर ट्राई करें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।